हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं IOC शेयर के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, मतलब कल काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था शेयर ने, लेकिन मार्केट में जब क्लोज हुआ मार्केट तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो अब काफ़ी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे कि क्या करना चाहिए, क्या इस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करने के लिए मौका है या नहीं है, जो लोग प्रॉफिट में है उनको क्या करना चाहिए। सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे हम। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूँ दोस्तों कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। साथ में अभी 182 के आसपास पास की प्राइस चल रही है मार्केट में, कल हमको लगभग 10 से 11 रुपये के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट आप मान सकते हो इसको, क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफ़ी डाउन आ चुका है स्टॉक। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या करना चाहिए इसमें। देखो, नए इन्वेस्टर को यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना है आपको तो बिल्कुल आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है शेयर। अगर वो एक दो दिन के लिए रुकते हैं यहाँ पे, अगर इस वीक नेक्स्ट वीक में रुकते हैं, एक दो दिन के लिए वेट करते हैं तो वेट कर लो आप। अगर 175 के आसपास की इन्वेस्टमेंट की आपकी प्राइस रहेगी एंट्री की, तो बिल्कुल आप एंट्री ले सकते हो उसमें। और टारगेट आपको शॉर्ट टाइम के लिए 200 रुपीज़ का लेकर चलना है, लॉन्ग टाइम आपको 400 रुपीज़ के आसपास टारगेट आपको लेकर चलना है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हो।